दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट कैसे करेंगे। ये कंज्यूमर कोठी है, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, सामान अच्छा नहीं रहता तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी डीलर से आप राशन लेते हैं या किसी भी तरीके का आप सामान लेते हैं तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड मीन्स कि आप किसी भी ब्रांड पे कंप्लेंट कर सकते हैं क्योंकि आप एक कंज्यूमर है, ठीक है। ये कंज्यूमर एक्ट के तहत आता है तो आप किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उस ब्रांड ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है या सामान आपको अच्छा नहीं दिया है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन हो या ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो या आपका किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के रिलेटेड कंप्लेंट हो तो आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स मीन्स आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, जिससे भी आप कुछ ऑर्डर करते हैं उसके साथ धोखाधड़ी होता है, कुछ सामान ऑर्डर करते हैं कुछ और आ जाता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। एयरलाइंस हो गया, ठीक है। या सिंपल भाषा में ये कहूँ तो आप कहीं भी कुछ सामान खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके तो आप यहाँ पर कंप्लेंट कर दें। 24 से 48 घंटा में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में यूज़र रजिस्ट्रेशन करने से लेके कंप्लेंट करना पूरा बताऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि मैं अभी तक इस पोर्टल पे आकर कम से कम 15-20 कंप्लेंट किया है जो कि मेरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो कि 100% है कि सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंप्लेंट देख सकते हैं कि मैंने इतना कंप्लेंट किया है तो मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस करके मैं और दिखा सकता हूँ बट अभी नहीं दिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें कि मैं कितना कंप्लेंट किया हूँ लेकिन मेरा हर एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो गया है, ठीक है। सिंपली आपको कंप्लेंट करने के लिए इस वेबसाइट पे आ जाना होगा consumerhelpline.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप इस वेबसाइट पे बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आप कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा तो आप यहाँ से कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जब आप नीचे आ जाएंगे तो अगर आप कॉल नहीं करते हैं तो आप SMS करेंगे इस नंबर पे तो आपको कॉल बैक किया जाएगा, ठीक है। यानी तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उमंग ऐप से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज इस वेबसाइट से कंप्लेंट करना बता रहा हूँ। सिंपली आपको पहले इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको रजिस्टर ऑनलाइन हेयर साइनअप है। सिंपली आपको साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, ओके। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है, फिर आपका जेंडर जो भी है उस जेंडर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सिंपली अपना रिलीजन चूज कर लेना है, अर्बन से है कि रूरल से है। अर्बन मीन्स ग्रामीण हो गया, अर्बन मीन्स शहरी हो गया और रूरल मीन्स ग्रामीण हो गया, ठीक है। तो आप जिस भी एरिया से आते हैं, रीजन से आते हैं, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, फिर उस पासवर्ड को आप यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे डिस्प्ले पे आ रहा होगा तो आप देख के इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दिया गया कि आप इस हिसाब से पासवर्ड क्रिएट करेंगे। नाम और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे और नंबर यूज़ कर देंगे तो सिंपली आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उस पासवर्ड को आप यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, देन आपको कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको साइनअप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपको यहाँ पे आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP आया होगा, उस OTP को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद जो भी कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन करने का ऑप्शन आएगा तो आप साइन इन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आईडी डाल देना है, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। आईडी आपका बेसिकली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो भी कैप्चा शो करा यहाँ पे उस कैप्चे को आप फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। और इसका एक एक्सेप्शन ये है कि आप RTI मैटर्स के रिलेटेड कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट रिलेटेड सब डिजीज मैटर्स की कंप्लेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ग्रीवियंस अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट, आप
विदेश में कंप्लेन नहीं कर सकते विदेशी गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलीजियस मैटर, मतलब कि आप धर्म के अगेंस्ट भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। इसको आपको फिल करना होगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ग्रीवियंस होगा, यहाँ पे ग्रीवियंस हिस्ट्री होगा। सिंपली आपको यहाँ पे ग्रीवियंस टाइप, अगर आपका कंप्लेंट है तो आप ग्रीवियंस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई क्वायरी करना चाहते हैं तो आप क्वायरी सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली आपको ग्रीवियंस सेलेक्ट करने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना, जो भी आपका स्टेट है सिंपली आप उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे परचेज सिटी है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किया, परचेज सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज सिटी सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इंडस्ट्री है, मेन चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। इंडस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हुआ है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते थे। यहाँ पे आप बहुत सारा इंडस्ट्री दिया गया है, ठीक। जैसे कि आप ई कॉमर्स, मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या किसी भी ई कॉमर्स साइट से आपने शॉपिंग किया है और वहां आपका फ्रॉड हुआ है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप डिपार्टमेंट यहां पे इंडस्ट्री टाइप देख सकते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका कंप्लेंट रिलेट करता है तो उस इंडस्ट्री को आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे ई कॉमर्स सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे कैटेगरी, कि आपका कैटेगरी क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ई कॉमर्स है या ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है। तो आपका इसी हिसाब, जैसे आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी दिया गया है तो उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है, कौन सा कंपनी, जैसे कि अमेजन होगा तो अमेजन का आएगा, फ्लिपकार्ट होगा तो फ्लिपकार्ट का आएगा, तो इसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख भी सकते हैं जिस भी कंपनी से आपका प्रॉब्लम होगा जिस ई कॉमर्स साइट से। और यहाँ पे आपका जिस भी कंपनी से, जिस भी इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है उसका यहाँ पे सब कैटेगरी आ जाएगा, तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोडक्ट सर्विस टाइप, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था आपका, उसका सर्विस टाइप क्या था, वो डाल देंगे। और हाँ, आपको एक बात और याद रखना है, अगर आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर मेंशन करना होगा, या आप किसी और इंडस्ट्री से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर मिला होगा तो वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ओके। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आप पेमेंट कर दिए हैं तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी होगा, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज फिल करना है, ठीक है। जो भी डेट ऑफ परचेज था उसे आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विद द कंपनी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ग्रीवियंस रेफरेंस नंबर आपको जितना चाहते हैं मोबाइल नंबर वो डाल देंगे, आपने अमाउंट कितना पे किया था वो डाल देंगे। आपको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप जिस भी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट सर्विस टाइप तो यहाँ पे सेम रहेगा ये सब, बाकी यहाँ पे आपको कैटेगरी में कंपनी में चेंज करना होगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जैसे आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे तो उस इंडस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे जो भी होगा उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंडस्ट्री इस लिस्ट में नहीं है सिंपली आपको अदर पे क्लिक कर देना, सभी में अदर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना मैनुअली, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, मैं आपको सभी चीज़ क्लियर करके बताता हूँ ताकि आपको कंप्लेंट करने में कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से कंप्लेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको वहाँ पे अमाउंट पे कितना किया था उस प्रोडक्ट को लेकर के आप वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ नेचर ऑफ ग्रीवियंस, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कि क्या था यहाँ पे आपका ग्रीवियंस, किस टाइप का था, नेचर किस टाइप का था कंप्लेन करने का आपका, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि चार्जिंग मोर देन MRP लिया है या जो भी यहाँ पे है, मतलब कि फ्रॉड हुआ है, कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिफंड नहीं हुआ तो रिफंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे डीलर नेम, सपोज दैट आप अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किए हैं या किसी भी कंपनी से शॉपिंग किए हैं या किसी भी कंपनी से आपने कुछ प्रोडक्ट बाय किया था तो उसका यहाँ पे डीलर का नाम फिल कर देना है, आपको उसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो आपको नीचे में सोल्ड बाय सेलर बाय लिखा आता है तो वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज ग्रीवियंस डिटेल्स, सिंपली आपको यहाँ पे अपना प्रॉब्लम अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। आपको हिंदी में आता है हिंदी में करे, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में करे, आपको जिस भी लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में कर देंगे। बाकी आपको ये खुद नेशनल कंज्यूमर वाले आपको कॉल करके आपकी कंप्लेन को अपडेट कर देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे अपनी प्रॉब्लम को। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि आप कहीं पे शॉपिंग किए हैं या आप किसी प्रोडक्ट को बाय किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इनवॉइस
बिल मिला होगा उसे आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज वहाँ से 5 MB JPEG PNG और सब में चलेगा ये, ठीक है। PDF में भी चलेगा, उससे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट टाइप 2 भी आपके पास तो वो भी आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट 3 भी है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए आप यहां पे उसे अपलोड कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी डिटेल्स फिल करने का सिंपली आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका यहां पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रीवियंस हिस्ट्री में आ जाना है। ग्रीवियंस हिस्ट्री में आने के बाद यहां पे आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके यहां पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो कंप्लेंट क्लोज हो जाता है तो यहां पे डिपॉजिट लिखा हुआ आ जाता है, क्लोज लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे आसानी से देख लेंगे, आप इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करना हो तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आके कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। आपको कहीं भी नहीं आना होगा। ये कंप्लेंट आपका 24 से 48 घंटा 72 घंटा के अंदर तो सॉल्व हो ही जाता है, लेकिन आपके पास मतलब कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे कंप्लेंट सॉल्व होता है। आपको इस बात पे भी ध्यान रखना, लेकिन फिर भी 3 से 4 दिन मान के चलिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सभी तक पहुँचा दें ताकि उसको भी पता चल सके, वो भी अपना राइट्स